तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जो स्पीड्स गैसियस मॉलिक्यूल एग्जिबिट करते हैं ड्यूरिंग देयर रैंडम एंड कंटिन्यूअस मोशन, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी। तो उस टॉपिक को लेके मैं एक पॉइंट बहुत ही पहले ही क्लियर कर दूँ, वो स्पीड्स किस तरीके से डिराइव हो रही हैं, ठीक है, या फिर अभी जो हमारा टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये किस तरीके से आ रहा है, ये किस डेरिवेशन से आया, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। हम सीधा सीधा उनके रिजल्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं डिराइव करने जाऊँगी तो हो सकता है कि हम पागल हो जाएं, बिकॉज उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स चाहिए और अच्छे लेवल की आपको केमिस्ट्री चाहिए, बहुत विद मैनी अजम्पशंस। अब अच्छे लेवल की केमिस्ट्री वो तो हमारे पास है नहीं, और अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ी है, बट नहीं, तुमने अभी नहीं पढ़ी है। वो मैंने खुद ये वाला जो डेरिवेशंस है कि कैसे वो डिराइव होता है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था। तो तुम समझो कि 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो डिफरेंस है सिलेबस का वो कितना ज़्यादा रहा होगा कि हमने वो चीज़ खुद पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ उसके एप्लीकेशन पार्ट पे बातचीत करेंगे, इस बारे में कोई बातचीत नहीं होने वाली है कि अच्छा करके वो डेरिवेशन कहाँ से आया, और ना ही तुम लोग उसको सर्च करने की कोशिश करना। अब कई लोगों को बहुत इच्छा होती है कि नहीं, हम तो सर्च करेंगे, हमको तो देखना है भैया कि आखिर वो डेरिवेशन कहाँ से आया। तो देखो वो टाइम पास है, बाकी फिर तुम्हारी मर्ज़ी। तुम्हें बस एक ही चीज़ पता होनी चाहिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड वाला टॉपिक करते वक्त, कि एक साइंटिस्ट ने बहुत ही मेहनत से एक फॉर्मूला आपके सामने छोड़ो दुनिया के सामने पेश किया। वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट फॉर्मूला इज dN। अच्छा ये क्या हो गया भैया, अच्छा ठीक है, दैट फॉर्मूला वॉज आप लोगों का dN, ठीक है, अच्छा इक्वल्स टू कितना, 4। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इतना मोटू मोटू क्यों चल रहा है ये, 4π, और उसके बाद आ जाएगा कैपिटल N, है ना। अच्छा मैंने स्क्रीन इतनी बड़ी कर ली थी क्या, एक मिनट नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। dN इक्वल टू 4π N, और उसके बाद था आपका कैपिटल M अपॉन में 2π कैपिटल R और ये T, और पावर में क्या था, 3/2, और e की पावर में कितना है, -MU² अपॉन में 2RT और U² न्यू वापस से, और फिर यहाँ पर dU। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन हमको डिराइव करके दिया, जहाँ पर हमको ये तो पता है कि एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपके पास मतलब जो कंटेनर है उस कंटेनर में कितने गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब ये dN क्या होता है बताओ, चलो dN पे भी बातचीत कर लेते हैं, बट dN पे बातचीत करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर U क्या होता है। तो देखो U, आप यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के बारे में बातचीत करते हो, ना कि आप इस बारे में बातचीत करते हो कि वहाँ पर उन लोगों के पास RMS स्पीड है कि एवरेज स्पीड है कि उनके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। क्योंकि जितनी भी स्पीड्स के मैं नाम ले रही हूँ वो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन से क्या हुई हैं, डिराइव हुई हैं, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ है कि आपका वो जो मैंने आपको स्पीड्स पढ़ाई थी वो बाद में आई और ये वाले टॉपिक आपके पहले आ गए, ऐसा नहीं। तो ये वाले टॉपिक से ही स्पीड्स आई हैं। तो अभी हमको नहीं पता कि वो जो स्पीड है वो फ़िलहाल आपकी RMS है, एवरेज है कि क्या है। यहाँ पे जस्ट सिंपल भाषा में अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे जो हमारा U है, U को हम लोगों ने क्या लेके रखा है, एक स्पीड मान के रखी है। किस चीज़ की स्पीड है, हम लोगों के गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है तुमको dU, ये dU क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ dU की, तो dU क्या है, dU है, dN है, ये N, ये सब क्या है। तो देखो dN के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हमको dU को समझना होगा। हम क्या कहते हैं, स्पीड की एक रेंज लेते हैं, ठीक है। हम लोग स्पीड की क्या लेते हैं, एक रेंज सिलेक्ट करते हैं, और उस रेंज ऑफ स्पीड को हम लोग क्या रख रहे हैं, देखो U इनिशियल स्पीड, ठीक है, से लेकर U प्लस dU, मतलब
जो आपने du क्या किया, कितने से पुरानी स्पीड को इंक्रीज किया या कितने से पुरानी स्पीड को डिक्रीज किया कि सच दैट आपको एक नई वैल्यू स्पीड की मिली, तो वो du इज दैट व्हाट आप लोगों का चेंज. बट प्लीज dn यहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. dn का मतलब यहाँ चेंज नहीं है, कई बार लोग उसको चेंज बोल देते हैं बट चेंज नहीं होता. यहाँ पे dn का मतलब भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है. यहाँ पे भी n का dn का मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन मैं उन गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ जिन गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, ठीक है, हैविंग स्पीड बिटवीन u टू u प्लस du, यानी कि इस स्पीड की रेंज जो हमने सेट की है, इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल्स होंगे, दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट नेट नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज आप लोगों का dn. यहाँ पे dn का मतलब चेंज नहीं है. और m को तो तुम लोग पहचानते ही हो, m इज नोन एज आप लोगों का सबका प्यारा, दैट इज मोलर मास, ठीक है, ओके. एंड t मतलब टेम्परेचर. इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने हैं, है ना. उन रिजल्ट्स को डिराइव करने के लिए मुझे कुछ मतलब क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे, कुछ शिफ्टिंग करनी होगी. अब देखो वो शिफ्टिंग वगैरह क्या है उसको समझते हैं हम लोग. तो सबसे पहली शिफ्टिंग जो हम लोगों को यहाँ पे करनी है, ये जो आपको du दिख रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. ये देखो ये जो du दिख रहा है और ये जो n दिख रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ. ये दो आप लोग क्या करो, सबसे पहले अपने फटाफट शिफ्टिंग करवा लो. जैसे ही तुम ये फटाफट शिफ्टिंग करवाओगे, तुम ये देखोगे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, किस तरीके का, डी एन अपॉन में एन बराबर, समझ रहे हो, और वन अपॉन में डी यू. ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन मिला. इक्वल टू में राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचेगा, फोर बचेगा, पाई बचेगा, एम अपॉन में टू पाई आर टी बचेगा और उसकी पावर में थ्री बाई टू बचेगा. ई की पावर में माइनस कैपिटल एम यू स्क्वायर अपॉन में टू आर टी बचेगा और वहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यू स्क्वायर. क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ ये क्लियर है. अब ये जो आपको बाजू में ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस वन अपॉन डी यू डी एन बाई डी एन की बात कर रही हूँ जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है. ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है क्या, क्या है ये, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं. तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ एक्सप्रेशन मेरा किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मेरे इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर स्पीड ऑफ रेंज में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स थे. व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स. मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, मैंने ये कहा कि मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितने थे. फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ टोटल पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर रेंज में कितने पार्टिकल्स मेरे पास अवेलेबल है, राइट, दैट इज अच्छा. और यहाँ पे अगर तुम फोकस करोगे तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों का क्या है, बेसिकली ये कॉन्स्टेंट है, है ना. ये पूरा का पूरा पार्ट बेसिकली आप लोगों का क्या है, कॉन्स्टेंट है, अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूँ तो. अच्छा, और यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल दिख रहा है तो कहाँ दिख रहा है, ये वाला पार्ट बेसिकली आपका वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल है और बाजू में आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो डोंट यू थिंक कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, अगर उसको लेट से वाई से इंडिकेट करूँ, तो ये y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लेट से k, ठीक है. अच्छा, क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर में माइनस ऑफ, अभी जो m अपॉन टू आर टी है ये भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग, एक दूसरा कॉन्स्टेंट ले लेते हैं k डैश, और u स्क्वायर क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है तो ये u स्क्वायर वैसे का वैसी, और यहाँ पे भी u स्क्वायर, ठीक है. डोंट यू थिंक कि इसमें अगर मैं u स्क्वायर को x सब्स्टिट्यूट कर लूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा u स्क्वायर है वो क्या है, मेरा x है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन क्रिएट होगा y इक्वल टू k टाइम्स ऑफ e की पावर ऑफ माइनस k डैश x इनटू में x, ये इस तरीके का. और जब भी आपके पास इस तरीके का कोई एक फंक्शन आपको देखने को मिलता है और इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो सच दैट कि y एक्सिस पर हम लोगों को क्या मिलता है, मतलब y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं आप लोगों का, 1 अपॉन डी यू, ठीक है, dn बाय कैपिटल n, और x एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं
स्पीड को यानी कि यू को, तो जो ग्राफ हमें वहाँ पे ऑप्टेन होता है वो ग्राफ का जो नेचर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो, इसको कहते हैं बेल शेप्ड ग्राफ। इसको क्या कहते हैं? बेल शेप्ड ग्राफ, घंटी के जैसा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेल शेप्ड ग्राफ। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसी को हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अभी आगे की क्लास में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये जो ग्राफ आपको मिला ना, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो हम लोगों को मिलता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम लोगों को क्या क्या कंक्लूजन मिल रहे हैं, उन कंक्लूजन्स को समझना है। तो एक एक पॉइंट करके उन कंक्लूजन्स को समझते हैं। सबसे पहले तो उस इक्वेशन से हमें ये ग्राफ मिला, तो ये हम लोगों का खुद एक पॉइंट है कि हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है जब हम ऐसा ग्राफ इसके वर्सेस ऐसे ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे, अच्छा अगर तुम लोगों ने लेट्स से मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है एरिया अंडर द कर्व, अगर आपको किसी भी कर्व के नीचे का मतलब उसके कर्व के अंडर में अलाउ मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया आता है, तो उस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एक्स और जो भी लिमिट आप सेट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या है? यहाँ पे y में तो 1 अपॉन डी यू है और आपके पास dn अपॉन में कैपिटल n है और dx के बदले में बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx मतलब जिसको आप x एक्सिस पे ले रहे हो, और x एक्सिस में हम लोग स्पीड को ले रहे हैं और उसका dx यानी कि du। तो देखो ये वाला du और ये वाला du मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास जो क्वांटिटी बची वो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dn अपॉन कैपिटल n है? इंटीग्रेट करने को कोई नहीं कह रहा है, बट यही है ना, यही है आप लोगों का बेसिकली। अच्छा, तो ये जो इंटीग्रेशन आया डी एन अपॉन कैपिटल एन, ये आपका किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आप लोगों के फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को। ये किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी कि जब भी हम किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली वो एरिया किस चीज को इंडिकेट करता है, उस एरिया की जो भी वैल्यू आती है ना, वो एरिया किस चीज को दर्शाता है? वो इस चीज को दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आई एम सेइंग कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है। बेपर डी एन बाय एन आया है ना, है ना, यानी कि आउट ऑफ टोटल मेरे पास कितना है, तो आउट ऑफ टोटल मेरे पास कितना है? एन है, dn by n है, तो इट इंडिकेट्स द वॉट आप लोगों का फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल। किस चीज को इंडिकेट करता है? फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करता है। अब अगर मैं इसी सेम कर्व पे स्टिक रहूं और इस पर्टिकुलर कर्व, ये जो ऊपर मुझे कर्व मिला है, इस कर्व से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑप्टेन अगर हम लोगों को करने हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को क्या मिल सकते हैं, क्या हमें समझ में आएगा इस पर्टिकुलर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से? तो देखो, सबसे पहला हम लोगों को कुछ कुछ नियम मानने हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता रही हूँ, वो रिजल्ट्स कहाँ से आए कैसे आए उस सब पार्ट में हम नहीं घुस रहे हैं, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है वो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। बराबर, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि आपका वो जो एरिया अंडर द कर्व किस चीज़ को इंडिकेट करता है, आप लोगों के फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को इंडिकेट करता है। ठीक है, कितना जिनकी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को वो क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ऐसे में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं तुमने मेरे पास अभी एक कर्व दे देती हूँ। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बातचीत करते हैं अगेन कर्व को लेकर, तो पहले तो अपने कर्व को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो जरा यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है इस फ्रैक्शन ऑफ आपके क्या कहते हैं कर्व, इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, इस चीज को क्या देखने को मिल रहा है? तो देखो, इस कर्व में आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये पीक पॉइंट, ये सबसे टॉप पॉइंट। ये पीक पॉइंट आपको क्या बताता है? ये पीक पॉइंट बताता है कि भैया मैं वो पॉइंट हूं जहां पर अगर तुम मेरे करस्पॉन्डिंग मतलब मेरी इस स्पीड के करस्पॉन्डिंग चेक करोगे कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितने, तो तुम्हें ये मिलेगा कि मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ क्या मौजूद है, आप लोगों के पार्टिकल्स मौजूद हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा
कि जिस पर्टिकुलर स्पीड के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उस पर्टिकुलर स्पीड को हम लोग कौन सी वाली स्पीड कहते हैं, आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि जो पीक पॉइंट होता है उस पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जो आपको स्पीड मिलती है वो बेसिकली स्पीड किस चीज की होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंडिकेट होती है, वो कौन सी होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब तुम तो जानते हो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सारी स्पीड्स को अगर मुझे अरेंज करना हो तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड छोटी होती है और उससे बड़ी जो होती है वो लोग कौन सी होती है, एवरेज स्पीड होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी येलो लाइन के पैरेलल एक और लेट से यहाँ पे येलो लाइन क्रिएट कर लेती हूँ, डॉट डॉट मतलब नॉट येलो बट एक और लाइन अगर मैं क्रिएट कर लेती हूँ, तो ये जब वाई एक्सिस से आप मतलब इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर रहे हो तो ये किस स्पीड को इंडिकेट करी, आरएमएस वाले को कि एवरेज वाले को, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो आपकी स्पीड है ये किसको इंडिकेट करेगी, एवरेज वाले को। और उसके बाद अगर आप मान लेते हैं एक और तीसरी लाइन भी बनाते हो तो वो वाली स्पीड किसको इंडिकेट करेगी, आप लोगों के आरएमएस को। तो कर्व में कौन सा वाला पॉइंट किस पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट करता है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट नंबर 3 जो कि हम लोग इस पर्टिकुलर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से निकालते हैं, है ना। अच्छा अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये इस तरीके से आप लोगों को क्या दिया है, पता चल चुका है करके वेरियस वेरियस किसके बारे में, वेरियस वेरियस आप लोगों को उसकी स्पीड्स के बारे में। अब बात ऐसी होती है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर के साथ क्या कर्व में कोई वेरिएशन देखने को मिलता है क्या, मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगी क्या इस कर्व में मुझे कोई चेंज देखने को मिलेगा। तो उस चेंज को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इस कर्व के अंतर्गत, मतलब ये जो टोटल जितना भी बड़ा ये कर्व बना है, इस कर्व के अंतर्गत एक्चुअली एरिया कितना आ रहा है, हमें ये देखना है कि इस कर्व के अंतर्गत एरिया कितना आ रहा है, ये टोटल एरिया अंडर दिस कर्व बेसिकली है कितना। तो देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करती हूँ, लेट से मैंने ये पार्ट कंसिडर किया, इस पार्ट के करस्पॉन्डिंग मैंने तुमसे पूछा कि ये पार्ट किस चीज को इंडिकेट करता है, तो तुम मुझे बताओ कि मैडम आपने जो भी रेंज ली होगी, फॉर एग्जांपल इसकी रेंज है 10 से 11, मतलब स्पीड 10 से 11 के बीच में है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, तो 10 मीटर पर सेकेंड और 11 मीटर पर सेकेंड के बीच में ये जो एरिया आपको मिला है, ये एरिया किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 10 से 11 की स्पीड के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, राइट। तो आपको मिलेंगे सर्टेन पार्टिकल्स हैं। फिर मैं कहूँगी काम करो 11 से लेकर 12 तक आप एक और क्या कर लो, स्ट्रिप कंसिडर करो, तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस 11 से 12 के बीच में। ऐसे करते करते अगर आप इस पूरे के पूरे कर्व के बहुत सारी इन्फाइनेटली स्मॉल स्ट्रिप्स अगर निकालते हो और सारी इन्फाइनेटली स्मॉलर स्ट्रिप्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो और आपको अगर ये पता चल जाता है, इंटीग्रेट मतलब अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हर लिमिट के अंतर्गत, उस स्पीड के अंतर्गत कितने कितने पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर रेंज में मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर मैं तुमसे ये कहूँ, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक काम करो, हम लोग हमारी जो स्पीड है उस स्पीड को रख लेते हैं 0 से लेकर पूरा इन्फिनिटी, तो बेसिकली मैं तुमसे क्या चाह रही हूँ कि मैं कर्व जो है वो मेरा पूरी तरीके से इनिशियल लेवल से लेकर जहाँ तक वो कर्व जा रहा है उस फाइनल पॉइंट तक आप बेसिकली उसका क्या कैलकुलेट करो, मैं आपसे कह रही हूँ एरिया कैलकुलेट करो। तो वो जो एरिया है वो जो निकल के आपको देगा वो क्या देगा, वो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू देगा। अब मुझे बताओ 0 से लेकर इन्फिनिटी मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, अरे 0 पॉइंट पे मानती हूँ कि कोई मॉलिक्यूल नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड वाली स्पीड के कोई पार्टिकल्स नहीं, बट मैं ये क्या कह रही हूँ 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो सारे ही पार्टिकल्स आपके आ गए ना। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि dn बाय कैपिटल N कितना है, तो dn बाय कैपिटल N में जो ये dn है, ये dn क्या इंडिकेट करता था कि गिवन स्पीड से लेकर अप टू जिस स्पीड में आपको जाना है उसके बीच में आपको कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं पूरे इन्फिनिटी तक बात कर रही हूँ, मतलब मैं फाइनल तक बात कर रही हूँ, अगर मैं फाइनल तक बात कर रही हूँ इसका मतलब फाइनल में तो पूरे ही पार्टिकल्स मिलेंगे n, और अपॉन में भी एक और n, सो देयर फोर आंसर कम आउट टू बी 1। तो जब भी आप बात करते हो किस चीज़ की कि आप लोगों का जो ये एरिया है
ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, ये एरिया अंडर दी कर्व आप लोगों का, अगर मैं इसको इंटीग्रेट मतलब निकालूं जीरो से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, अगर लिमिट रखूं, तो ये एक्चुअल में हमेशा कितना आपका आता है, वन आता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पे रहो, ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर आप लोगों को एरिया टोटल बेसिकली कितना मिलेगा, वन। अगर आप 100 पार्टिकल्स ले रहे हो, मान लेते हैं आपके कंटेनर में 100 पार्टिकल है, तो अपॉन में तो 100 फिक्स है, और अगर मैं कह रही हूँ जीरो से इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे ही पार्टिकल्स को लेने की बात कर रही हूँ अपनी लिमिट में, तो लिमिट में तो फिर सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, कोई तो छूटा ही नहीं, सो देयरफॉर एरिया अंडर द कर्व एट ऑल टेम्परेचर कम्स आउट टू बी व्हाट, वन। ठीक है, ये आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम इसी पॉइंट को याद रखें, तो इस पॉइंट से हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, उस ऑब्जर्वेशन की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, कि आखिर मैं टेम्परेचर अगर रखूंगी तो टेम्परेचर के होने से, ठीक है, टेम्परेचर के होने से या टेम्परेचर को वेरी करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तुम देखो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, जैसे मान लेते हैं अभी आपके पास एक सर्टेन कर्व है, और ये सर्टेन कर्व मान लेते हैं आपके T1 टेम्परेचर पे, इसका पीक आपको मिल चुका है, ये पीक किसको इंडिकेट करता है बताइए, ये पीक इंडिकेट करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, ये वन। अब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करती हूँ, तो ऐसा हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि आप लोगों को कर्व केस में ऑफकोर्स शिफ्ट देखने को मिलेगा, मतलब गैस वही है, इवन गैस की क्वांटिटी वही है, बट आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, कैसे, आपका जो कर्व है वो स्लाइटली कैसे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड, क्यों राइट हैंड साइड क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड्स के बारे में पढ़ा, तो हम ये अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट, कि आप लोगों का जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ कितना, 2RT अपॉन कैपिटल M, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स अंडर रूट ऑफ T के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर आप T को इंक्रीज करोगे, अगर आप T को इंक्रीज करोगे तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी बोलो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब अगर मैं हायर टेम्परेचर पे जाती हूँ तो मेरा जो कर्व है वो इस तरीके से शिफ्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होगा कि आप लोगों के पास मुझे क्या देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट कर्व का जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा वो पीक आपके पहले वाले कर्व के पीक से क्या होगा, देखो ना इसकी नेक्स्ट प्रोबेबल आपकी जो स्पीड है वो कैसी पहले वाले के कंपेयर में ज़्यादा है। इसका मतलब बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो कर्व है वो कर्व कैसा होता है, RHS में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर कर्व मेरा RHS में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है वो, है ना, अगर वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। अब लेकिन हमने अभी अभी ऊपर बातचीत की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया तो वन ही रहेगा। तो इस कर्व को, ये ब्लू वाले कर्व को मैंने पिंक वाले कर्व के कंपेयर में थोड़ा नीचे क्यों बनाया? अगर मैं इस ब्लू वाले कर्व को पिंक वाले कर्व के कंपेयर में नीचे नहीं बनाती तो इसका जो एरिया है वो वन से ज्यादा हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नीचे बना रही हूं तो मैंने हाइट वाइज एरिया कम किया और मैंने लेंथ वाइज एरिया बढ़ा दिया, सच दैट कि अभी भी टोटल एरिया बोलो कितना आ रहा है, वन ही आ रहा है। अगर मैं इसको हाइट वाइज डिक्रीज नहीं करती तो हाइट वाइज डिक्रीज नहीं करने से बोलो क्या हो जाता, दिक्कत ये हो जाती कि जो मेरा टोटल एरिया है फिर वो वन नहीं होता। एंड सिंस वी नो दैट कि टोटल एरिया आपका वन मेंटेन होता है। ठीक है, तो क्लियर है वाली चीज कि क्यों हम लोगों का जो कर्व है टेम्परेचर बढ़ाने पर भले ही वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है बट साथ ही साथ में वो क्या होता है हाइट वाइज थोड़ा सा पहले वाले के कंपेयर में वो थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट हो जाता है, सच दैट कि एरिया भैया मेंटेन होना चाहिए ना। तो कर्व राइट हैंड साइड भी शिफ्ट होता है और थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है।
लेकिन तुम ये देखना कि जो पहला वाला कर्व था उस पहले वाले कर्व के अपेक्षा जो दूसरा वाला कर्व है उसकी स्पीड कैसी है ज़्यादा, जो कि होनी भी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोबेबली स्पीड क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है। तो कैसा होता है, आपको क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम करके दिए जाते हैं, किस तरीके से फ्रेम करके दिया जाता है। आपको मान लेते हैं ये कर्व दिया है, इस कर्व को ये ऐसा बना दिया है ना, इस कर्व को ऐसा बना दिया, इस कर्व को ऐसा बना दिया। ये आपको तीन कंडिया, एक ही गैस है, गैस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये मान लेते हैं आपको x डिग्री सेल्सियस पे दिया है, ये आपको y डिग्री सेल्सियस पे दिया है, ये आपको z डिग्री सेल्सियस पे दिया है। x डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग उसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबल स्पीड होगी, लेट से p मोस्ट प्रोबेबल उसकी स्पीड है ना। y डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग उसकी स्पीड कितनी है आप लोगों की, लेट से q है, और z डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड r है। वैसे तो अगर तुम कर्व को देखोगे तो साफ साफ तुम्हें समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर में ये रिलेशनशिप मेंटेन हुआ होगा कर्व को, जैसे नहीं कि कर्व आपको जितना राइट हैंड साइड शिफ्ट दिख रहा है इसका मतलब ज़रूर वो उतने हायर टेम्परेचर पे रहा होगा। तो आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी पता है कई बार चीज़ें अरेंज करने को दे दी जाती हैं कि आप किसके अकॉर्डिंग अरेंज करिए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। तो अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अरेंज करने को आएगा तो जिसका पीक जितना राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा वो वाली चीज़ आप लोगों की उतनी ज़्यादा क्या होगी, हाइयर टेम्परेचर पे रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में पूछा है तो कर्व देखते बराबर समझ में आता है कि जिस कर्व जितना राइट हैंड साइड है उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी आप लोगों का रिलेशनशिप स्पीड के लिए कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा बराबर। तो क्या ये बात समझ में आई कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है, आप लोगों का जो कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है और साथ ही साथ में उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, आप लोगों की कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक और कर्व है जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग पढ़ते हैं और जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, कौन सा पॉइंट नंबर चल रहा था वैसे हम लोगों का, छठवा, तो छठवें पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं। छठवें पॉइंट को पढ़ने से पहले अभी बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने अभी इससे प्रीवियस वाली क्लास में तीनों प्रकार की स्पीड्स के बारे में पढ़ा, बट मैं प्राइमरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के रिस्पेक्ट में ही बातचीत करूंगी। उसमें फॉर्मूला होता है उसका अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन कैपिटल M। अब R भूल जाओ, मान लो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है बट मैंने गैस चेंज कर दी। अगर मैं अभी ऊपर कैसा था, तीनों ही गैसेस मेरी सेम थी, ठीक है, अभी तीनों ही गैसेस मेरी सेम थी। अगर मैं गैस चेंज कर देती हूँ तो जो मेरा मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है, वो मोलर मास बोलो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और साफ साफ हमें ऊपर वाले फॉर्मूले से दिख रहा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ मास के या मोलर मास के। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि जिस गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर आप गैस का मोलर मास बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मेरे पास पहले से मेरा एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मेरे पास ऑलरेडी था जो कि एक सर्टेन गैस के लिए था। मान लेते हैं ये आप लोगों के गैस एक्स के लिए है और मान लेते हैं ये इसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है UMP1। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं वेरी कर सकते कि आपने गैस भी चेंज कर दी और आपने टेम्परेचर भी वेरी कर दिया, फिर ऐसे में तो हम लोग जजमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बट अगर मैं गैस चेंज कर दूँ, मैं कोई दूसरी गैस ले लूँ, तो मैंने दूसरी गैस ली तो मुझे कर्व कुछ मान लेते ऐसा मिला, ठीक है। ये जो मैंने दूसरी गैस ली, इस गैस वाई के लिए मुझे कर्व मान लेते ऐसा मिला, और इस गैस के करस्पॉन्डिंग अगर मैं पीक की बात करूँ तो मान लेते ये पीक मिल रहा है मुझे, और मुझे पूछा जा रहा है कि ये साफ साफ पूछा क्या जा रहा है, आंखों से दिख रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 है, और इस तरीके से है कि साफ साफ कर्व को हम देखकर बता पा रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 आप लोगों की ज्यादा है एज कंपेयर टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नंबर 1। अब तुमसे वो ये पूछता है कि इस ग्राफ को देखकर बताइए कि गैस एक्स में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहा होगा और किस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम रहा होगा, मतलब कौन लाइट वेटेड है, कौन हाइट मतलब मोटी है, भारी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जिस गैस की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा रही होगी उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा रहा होगा, कम। तो अगर सेकेंड वाले का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज़्यादा है तो ज़रूर
जो सेकेंड वाली गैस है, सेकेंड वाली गैस हमने किसको कहा है, येल्लो वाई वाले को, तो जरूर मॉलिक्यूलर मास वाई वाले का कम रहा होगा किसकी अपेक्षा, एक्स वाले की अपेक्षा। क्या ये बात समझ रहे हो? तो अगर आप गैस को चेंज कर रहे हो तो गैस को चेंज करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीन चार कर्व दे देगा और बोलेगा इनको मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन सभी कर्व के जो पीक होंगे पीक को ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पर, सच दैट कि आपको क्या है उनका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है ये पता चल जाए, और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का रिलेशनशिप होगा अगर आप उसका उल्टा कर देंगे तो आपको किसका रिलेशनशिप मिल जाएगा, आप लोगों के मॉलिक्यूलर मास का। और या फिर अगर आप गैस चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो टेम्परेचर चेंज करने से आप लोगों को या तो मतलब जो कर्व होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर के बारे में जज करना होता है कि किस कौन सी गैस हायर टेम्परेचर पे, कौन सी लोअर टेम्परेचर पे। तो बस यही सारी चीज़ें तुमसे इस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंतर्गत पूछी जाती हैं। मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग में आप लोगों की वो जो कॉम्प्लेक्स सी इतनी बड़ी सी आपको मैंने इक्वेशन लिखा के दी थी, इस इक्वेशन को ठीक है अगर हम प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करें, जो कि हम नहीं कर सकते, ठीक है जो कि हम नहीं कर सकते, आप अभी भले ही कितना भी अच्छा डिफरेंशिएशन जानते हो या कितना भी अच्छा मैथमेटिक्स आप जानते हो, आप लोगों को अभी भी बहुत सारी हायर लेवल की मैथमेटिक्स नहीं पता है, और जो शायद तुम्हारे लाइफ में आगे तुम्हें काम भी नहीं पड़ने वाली, और वो तुम्हें अभी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सिखाया भी नहीं जा सकता। हाँ ये बात अलग होती है कि तुम सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में ही अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हारे बोर्ड्स का सिलेबस होता तो फिर हो सकता है कि वो हायर लेवल के मैथमेटिक्स तुम इलेवन ट्वेल्थ में सीख रहे होते, बट राइट नाउ ये बात जान लो कि वो जो हायर लेवल के मैथमेटिक्स की बात मैं कर रही हूँ वो ऐसी कोई हलवा पूड़ी नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं आपके डेरिवेशंस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी हाई अजम्पशंस उनमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर पाती अभी पर्टिकुलर क्लास 12 में, लोगों ने किया इंटीग्रेट नो डाउट, जो जिन्होंने ये डेरिवेशन किया है उन्होंने इस मैथमेटिक्स को यूज़ करके इसको क्या किया है, आपका इंटीग्रेट भी किया, लेकिन अगर मैं कर पाती इस चीज़ को इंटीग्रेट तो इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन मुझको बताता कि इस स्पीड से लेकर इस स्पीड की जो रेंज है, मतलब इस रेंज ऑफ स्पीड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब मुझे ये पता चल जाता कि उस कंटेनर के अंदर 200 और 300 की स्पीड से ट्रैवल करने वाले हम लोगों के पास कितने पार्टिकल्स एक्चुअली है। बट सिंस हम लोग एग्जैक्टली पता चल जाता है, सिंस हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हमको पता नहीं चलेगा। अब ये मैक्सवेल कर्व को पढ़ने से हम लोगों के कुछ रूल्स बने जिन रूल्स को मैंने पॉइंट्स में लिखवाया। एक पॉइंट नंबर 7 और देख लो, इस ग्राफ को साफ साफ देखकर समझ में आ रहा है अगर स्पीड बहुत ही कम होती है, देखो जब आप लोअर स्पीड की तरफ होते हो तो उस लोअर स्पीड का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं, देखो कितना कम आ रहा है एरिया अंडर द कर्व, कम आ रहा है मतलब जरूर वहां पे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी कम रहे होंगे। अगर मैं इसको हायर स्पीड्स की तरफ लेकर जाऊं, है ना, मतलब कई लोगों का अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैडम अगर आप लोअर स्पीड में एरिया कम आ रहा है तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो देखो एरिया ज़्यादा आ रहा है, तो आप और स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो देखिए और एरिया ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि बहुत लो स्पीड में भी आपका एरिया कम है, और अगर मैं हाई स्पीड की बात करूँ तो भी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स तब भी कैसे हैं आप लोगों के क्या हैं, बहुत ही कम है। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स चाहे हम लोग लो स्पीड में लो स्पीड की बात करें या फिर हम लोग हाई स्पीड की बात करें, दोनों ही सिचुएशन में जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी क्या होती है, कम। मतलब पूरी भीड़ में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हैं, आपको इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे जो एकदम मतलब जो दुनिया का सबसे फास्ट रनर होगा उसकी स्पीड से भागते होंगे, क्योंकि बहुत तेज भागने वाले लोग भी तो कम होते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन 99% पॉपुलेशन तुम्हें कैसी मिलेगी, हमारे जैसी मिलेगी, जो क्या मिल रही होगी आपके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे हो रहे होंगे, ना तो ज़्यादा स्पीड से चलते हैं हम, ना तो हम लोग बहुत ही कम स्पीड से चलते हैं, हम उन कैटेगरी के लोगों में आते हैं जिनमें हम लोगों की जो मूवमेंट होती है, जो हमारी स्पीड होती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो हम लोगों का कैसा होता है, हम लोगों का आधे से ज़्यादा लोगों का कैसा होता है, मोस्ट प्रोबेबल होता है। यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा कम होता है, ना तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। यानी कि अगर तुम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को उठाओगे और किसी भी एक इंसान को अगर बोलोगे भाग,
तो वो इंसान बहुत कम इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हें एक स्लो मोशन वाला ज़ॉम्बी मिलेगा, और इस बात की भी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें दुनिया का सबसे तेज रनर जिस स्पीड से भागता होगा तुम्हें वो मिलेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऊपर से मैंने पॉइंट नंबर सबसे पहले ही बताया था आपको कि जब हम लोग 1/n को, और यहाँ पे वन अपॉन डी यू, ठीक है, और इसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालती हूँ, मतलब अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व निकालती हूँ, तो ये एरिया अंडर द कर्व किस चीज को इंडिकेट करता है आपको ये पता होना चाहिए। ये एरिया अंडर द कर्व इस चीज को इंडिकेट करता है कि मेरे पास, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उस पर्टिकुलर रेंज में, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मतलब आउट ऑफ टोटल वहां पे कितने मौजूद हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं ग्राफ इसके वर्सेस प्लॉट किया, अच्छा अगर ग्राफ ऐसे प्लॉट किया गया होता dn अपॉन du, सिर्फ इतना ही ग्राफ प्लॉट किया होता, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इतना ही ग्राफ प्लॉट किया होता, वो जो एक और डिनोमिनेटर में आपको n दिख रहा है, अगर मैंने उस पर्टिकुलर n को नहीं लिया होता, तो फिर ये एरिया अंडर द कर्व फिर किस चीज को इंडिकेट करता? फिर ये एरिया अंडर द कर्व फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को इंडिकेट नहीं करता, फिर ये आपका जो एरिया अंडर द कर्व निकल के आता बेसिकली ये किसको इंडिकेट करता? आप लोगों के n को इंडिकेट करता, जो कि n क्या है, आप लोगों के नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, या फिर मैं कहूँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर में, मतलब पूरे के पूरे कंटेनर में कितने गैस पार्टिकल्स हैं वो उस चीज को इंडिकेट करता। सोचो एक डिवाइड में उसके n के होने की वजह से, ठीक है, क्यों कैसे क्या वो सब में आप जा सकते हो चाहो तो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो इसको किया जा सकता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि ना ही करो, क्योंकि वो चीज़ आपके काम में नहीं आने वाली है, ठीक है, वो चीज़ आपके काम में नहीं। और अगर आप सारे मतलब अगर आप उस कर्व की बहुत पतली 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 अगर आप स्ट्रिप्स तैयार करते हो, और बहुत पतली 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 स्ट्रिप्स से जो भी आपका फ्रैक्शन निकल के आता है, अगर आप सारे फ्रैक्शंस को ऐड करते हो, तो बेसिकली आपको एंड क्या मिलेगा? वन ही मिलेगा, जो इस बात को बताएगा कि हाँ टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, टोटल वन होता है। साथ ही साथ में मैंने ये भी बताया कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और गैस को अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, आपका जो कर्व है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, और हाइट वाइज वो क्या होने लगता है, धीरे 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 छुटकू 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 सा वो होने लगता है, ठीक है। यानी कि जिसका पीक जितना ऊंचा दिखेगा, याद रखना उसका टेम्परेचर उतना ही क्या होगा, आप लोगों का कम होगा। हाँ, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप लोगों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, तो मॉलिक्यूलर मास का कैसा है रिलेशनशिप, उसमें आप लोगों को जिसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जितनी ज़्यादा दिखे, आपका याद रखना उसका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास रहा होगा वो उतना ही कम रहा होगा। अब इसमें मैं ऐसा कमेंट नहीं कर सकती कि नहीं मैडम उसका कर्व तो राइट शिफ्ट होगा, इसका कर्व आपका बॉटम जाएगा, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी। जैसे मैंने अभी ऊपर कैसे बना दिया था कि एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे गैस एक्स और एक गैस वाई के लिए बराबर, तो ऐसा मैं कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, ऐसा मैं कमेंट नहीं कर सकती। बच्चा ये बात याद रखना है, ऐसा मैं कमेंट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुझे क्या बताऊँ गैस का नेचर क्या है, बस मैं उनके जो भी पीक पॉइंट होंगे उन पीक पॉइंट से आपको बस क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करना है, ठीक है, आपको सिर्फ ड्रॉप करना है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप करोगे, ठीक है, अगर आप ड्रॉप करोगे और ड्रॉप करने पे आपको जिसकी स्पीड ज़्यादा दिख रही है, बस आप उसका उल्टा रिलेशनशिप लिख दो मॉलिक्यूलर मास के लिए। हो सकता है कि कल को कोई दो डिफरेंट गैसेस के लिए आपको आइडेंटिकल पीक्स मिल जाए, मतलब जितने हाइट पे आपकी गैस वन का पीक है उतनी ही हाइट पे आपकी गैस नंबर टू का पीक है, ऐसा हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कंडीशन आपकी क्या रहे, वैलिड रहे, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत ख़त्म करनी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को लेकर, तो अभी यहाँ पे हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कोलिजन्स बेसिकली किसे कहते हैं, या फिर कितने टाइप के कोलिजन्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन फ्री पाथ किसे कहा जाता है, राइट। अच्छा, और उसके बाद फिर जब ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो रियल गैसेस किस तरीके से आइडियल गैसेस से अलग हैं, क्या गलती हुई थी आइडियल गैस में, और रियल गैस में हम लोग एक नया मतलब वेरिएबल आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उसको हम लोगों को कल पढ़ना है। यानी इनडायरेक्टली कल रियल गैसेस की थ्योरी पे हमको पूरा फोकस करना है, फिर अगले दिन की जो क्लास रहेगी वो रियल गैस की इक्वेशन डिराइव करने पे हमें फोकस करना है, ठीक है।
ओके, तो फिलहाल इस चीज को अभी यहाँ रोकते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे रियल गैसेस की थ्योरीज के साथ।